अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है बैंगन का भरता। ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, आइए देखते हैं। इसमें जो चीज़ें हमें चाहिए, 1 किलो बैंगन, 2 प्याज, अदरक, थोड़ा सा लहसुन, टमाटर 3 से 4 अदद, हरा धनिया, हरी मिर्चें, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, नमक हसब ज़रूरत, पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ गर्म मसाला आधा आधा चम्मच। का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हम बैंगन को आग पे जला लेंगे इस तरह से, और उसके बाद उनको ठंडा करके उसका छिलका उतार लेंगे। स्टेप में इन चीज़ों को चॉपर में डालकर, हैंड चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। मसाला हमने चॉपर में चॉप कर लिया है और बैंगन को अच्छी तरह से जला लिया है। अब हम कढ़ाई में आधा कप तेल में मसाले को भूनेंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, और उसके बाद हम इसका बैंगन का छिलका उतार लेंगे। मसाले को हमने ऑयल में डाल दिया है, इसको अब भून लेंगे और इसमें ये बाकी इंग्रेडिएंट्स हम शामिल कर लेंगे। हल्दी, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा और गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक। मसाले को हम हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए भून लेंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। बैंगन के छिलके उतार लेंगे और उनको चॉपर में चॉप कर लेंगे अच्छी तरह से। छिलके हमने उतार दिए हैं, अब हम इसको चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। मसाला भूनते हुए 10 मिनट हमें हो गए, अब हम इसमें डालेंगे ये चॉप किया हुआ बैंगन, इसमें शामिल कर देंगे और उसको मज़ीद हम 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा भरता बन के रेडी हो गया है। अब इसमें हम हरा मिर्च और हरी धनिया डालेंगे और उसको 2 मिनट के लिए ढक के दम पे रख देंगे। बहुत इजी और आसान रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दम खोल के अब इसकी हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बैंगन का भरता अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको आग बंद करके डिश ऑफ कर लेंगे। हमारी डिश आज की रेडी हो गई है, देख सकते हैं आप। इसको हमने गार्निश किया है दही के साथ या रायते के साथ, रोटी के साथ इसको सर्व करें, इंजॉय करें। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।